हरियाणा के बीजेपी अध्यक्ष ने चुनाव आयोग को, और जो जारी हुई थी अगर आप उस चिट्ठी को पढ़ें तो उसमें साफ नजर आ रहा था कि ये जो चिट्ठी है इसका ड्राफ्ट दिल्ली से बन के आया है और ये काफी बड़ी तैयारी के साथ चिट्ठी लिखी गई थी। ये कोई ऐसा नहीं है कि कोई विपक्षी दल चिट्ठी लिखे, कश्मीर का कोई विपक्षी दल चिट्ठी लिखे और चुनाव आयोग मान जाएगा। पर ये जो चिट्ठी लिखी इसमें जो तारीखें बढ़ाई हैं इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बीजेपी को और ज्यादा नुकसान होगा। अगर वो तारीख और पहले कर देते, आपने तारीख आगे बढ़ाई है, अगर आप कहते कि आपका ऑब्जेक्शन छुट्टियों के पर लोगों का बाहर जाना है, जो कि हरियाणा के लोग जाते नहीं है बाहर, छुट्टियां मनाने जाते ही नहीं है, वो बेसिकली कृषि प्रधान राज्य है और वो वहीं रहते हैं, मतलब मोटे तौर पर एक तो अफोर्डेबिलिटी का भी इशू है और दूसरा उनके नज़दीक जाने को जो जगह है वो हिमाचल में शिमला वगैरह जाने का है, तो वो उनके लिए कोई आकर्षण नहीं है। तो ये एक बड़ा एक लेम एक्सक्यूज है कि छुट्टी में लोग जाते हैं, कहाँ जाएंगे लोग। तो ये इसका नुकसान, अगर तारीख बीजेपी कहते हैं कि साहब थोड़ा पहले कर दीजिए आप क्योंकि लोग छुट्टी पर जाने वाले हैं, तो हो सकता है लोगों पर यह असर पड़ता कि देखिए बीजेपी चुनाव के लिए तैयार है। अब यह असर पड़ रहा है कि बीजेपी ने हार मान ली है या हार रही है और अपने डैमेज को कम करना चाहती है। जितना नुकसान उसको लग रहा था वो अब शायद कुछ कम हो जाए क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स हरियाणा में जुड़ गए हैं, जिसमें आप देख रहे हैं कि विनेश फोगाट का बहुत बड़ा फैक्टर है। वो जब वो आई थी पेरिस से और उनका जो जुलूस निकला और जिस तरह से वो गई और आज जो उनके वीडियोज आए हैं 200 दिन पूरे होने पर किसानों के, और वो पूरी की पूरी जो उनका जो इमोशनल कनेक्ट है शंभू बॉर्डर पे लोगों के साथ, क्योंकि सरकार को भी अभी 200 दिन चलेगी कि नहीं पता नहीं, पर वो किसानों के शंभू बॉर्डर पे 200 दिन हो गए। वो जो कह रही है कि किसान अगर अनाज नहीं दे हमको तो हम खेल भी नहीं पाएंगे। किसानों के साथ जो उसका जो कनेक्ट है या किसानों का जो इनके साथ जो कनेक्ट है फोगाट के साथ वो अद्भुत है। अगर आप देख रहे हो कि किस तरह से वो इमोशनल होके बात कर रही हैं और जो सिख कम्युनिटी है किस तरह से एजिटेटेड है, खासकर वो कंगना रनौत की टिप्पणियों के बाद से किसानों के बारे में, तो किसानों ये हरियाणा में हराने के लिए तो कंगना रनौत ही काफ़ी है, मतलब उसमें अब ज़्यादा लोगों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कंगना रनौत ने हरियाणा और पंजाब के किसानों का इतना ज़बरदस्त अपमान कर दिया है कि अब वहाँ किसी को कोई काम करने की ज़रूरत नहीं है। वो उनके बहुत ही अंदर टच कर दिया है कि कितने पैसे में वो आ जाती हैं महिलाएं वहाँ धरने पर, और वहाँ महिलाओं के साथ किस तरह के रेप्स होते हैं और तमाम चीज़ें उस महिला ने जो कहा वो बहुत ही, आप कल्पना करिए कि ये टिप्पणियाँ अगर कांग्रेस की कोई नेत्री कर देती तो उसकी गिरफ्तारी हो चुकी होती है अभी तक तो जी। तो ये जो हम देख रहे हैं कि किस तरह की सरकार चल रही है, किस तरह का चल रहा है, इसके कारण हरियाणा में भी नुकसान होगा और जम्मू कश्मीर में भी होगा। आप सोचिए कि जो विद्रोह हो रहा है जम्मू कश्मीर में, जैसे सांभा में जो एक जो व्यक्त हुई या और जगह हुई, उसका जो बेसिक जो पॉइंट है वो ये कि जम्मू सेक्टर में हो रहा है, ये वैली में नहीं है। वैली में तो बीजेपी घुस ही नहीं सकती। तो जहां आपने सीटें बढ़ाई डिलिमिटेशन करके, जहां आपने पूरी की पूरी आपने चौकड़ी बिठाई, वहां आपको जम्मू में सबसे ज्यादा दिक्कत आ रही है। तो ये जो पूरा का पूरा खेल है जम्मू कश्मीर का, और आप पाएंगे कि देखिए ये जम्मू कश्मीर और हरियाणा का जो मामला है ये महाराष्ट्र को लपेटेगा, क्योंकि महाराष्ट्र की तारीखें ये घोषित नहीं कर रहे हैं। और ये जो मुझे डर है कि ये महाराष्ट्र की तारीखें बहुत बढ़ा देंगे आगे, क्योंकि ये शिवाजी महाराज की जो मूर्ति जो गिरी है वो उसने पूरा इनके ब्लड प्रेशर को बहुत ज़्यादा गिरा दिया है, नीचे कम कर दिया, इनको चक्कर आने लगे।
जिस तरह से मोदी जी ने माफी मांगी है वो अद्भुत है। मतलब कोई प्रधानमंत्री एक मूर्ति के गिर जाने पर इतनी बड़ी माफी मांगे, इसका मतलब है कि आप सोचिए कि निराशा का भाव कितना बड़ा है कि महाराष्ट्र में शिवाजी की मूर्ति का गिरने का मतलब है कि महायुति की सरकार गिर गई। तो ये जो तमाम चीजें हैं ये एक ही तरफ इशारा करती है कि दोनों जगह बहुत बुरी तरह से हार। देखिए ये चाहे जितनी गड़बड़ी कर लें, एक चीज आप और समझ लीजिए, ये चुनाव में चाहे जितना हरियाणा में कर लें, जम्मू में कर लें, कश्मीर में तो खैर नहीं कर पाएंगे पर जम्मू में कर लें, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। लोगों को पता चल गया है कि क्या मामला है। आप सोचिए कि मध्य प्रदेश में इतनी गड़बड़ की इन्होंने, छत्तीसगढ़ में इतनी गड़बड़ की। आप जरा ध्यान रखिए कीजिए कि जब अमित शाह गए ग्वालियर तो उन्होंने क्या कहा था बीजेपी के वर्कर्स से, उन्होंने ये कहा था अपने वर्कर्स से तो कि आप एक ही काम कीजिए कि कांग्रेस के जितने वर्कर्स हैं, कार्यकर्ता हैं, उनको तोड़कर आप बीजेपी में ले आइए। हम मतलब उसमें यह था कि कांग्रेस के पास बूथ पर बैठने के लिए एक भी कार्यकर्ता नहीं होना चाहिए जी, और उनका कहना था कि ऊपर के जितने लोगों को तोड़ना है वो काम हम लोग। ये जो कह रहे हैं कि 15-15 वोट डाले या 20 वोट डाले, इसमें सच्चाई है, पूरी सच्चाई है। वो इसलिए सच्चाई है कि हम लोगों के जो अनुमान थे कि कम से कम 10-15 सीटें जहां जीतने वाली हैं, कांग्रेस का बिल्कुल असर है वहां पर, अगर कांग्रेस हार गई इसका मतलब है कि बड़े पैमाने पर गड़बड़ की गई है। और इसका एक कारण यह भी है कि जो बॉर्डर एरिया है, राजस्थान लगा हुआ है मध्य प्रदेश से और महाराष्ट्र लगा हुआ है मध्य प्रदेश से और उत्तर प्रदेश लगा हुआ है मध्य प्रदेश से। आप मुझे बताइए कि इन तीनों राज्यों में बीजेपी को वो फायदा क्यों नहीं हुआ जो मध्य प्रदेश में हुआ। आप एक कल्पना कीजिए कि भाई अगर मध्य प्रदेश का वोटर इतना जागरूक है और मतलब मैं बेसिकली राजस्थान का हूं, मेरी सारी रिश्तेदारी राजस्थान, मध्य प्रदेश में आधे लोग राजस्थान के हैं, तो राजस्थान में इनकी इनकी सीटें जा रही है बुरी तरह से और मध्य प्रदेश में पूरी की पूरी मिल रही है। मतलब पिछली बार एक सीट जो मिली थी वो भी नहीं मिल रही है। इसका मतलब है कि बहुत बड़ी धांधली हुई है और अगर वो ईमानदारी से चुनाव होते तो आप सोचिए कि 240 का आंकड़ा कहां पहुंचता। मतलब उन सीटों को छोड़ दीजिए, 79 सीट्स जिनके का जिनको लेकर जो बवाल मचा हुआ है कि जहां वो बीजेपी ने उनको खाते में चली गई जी। आपका दूसरा सवाल है राहुल गांधी की यात्रा का। राहुल की गांधी की यात्रा ओरिजिनली राजीव जी 6 दिन की थी, उनको और भी कई शहरों में जाना था जिसमें लॉस एंजलिस भी है और सैन फ्रांसिस्को भी है और तमाम जगह जाना था उनको, पर वो समय की कमी के कारण राहुल गांधी ने उसको 3 दिन में सीमित कर दिया। और 3 दिन में आप देख रहे हैं कि उनका कितना डलास में और वॉशिंगटन में कितने हेक्टिक शेड्यूल है और वहाँ इतने लोग उनसे मिलना चाहते हैं, इतने लोग बात करना चाहते हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता कि कितने लोग उनसे मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं। हम लोगों को आश्चर्य नहीं होना चाहिए राजीव जी, हालांकि मैंने इनसे जब सवाल किया अपने इंटरव्यू में सैम पित्रोदा से कि भाई क्या राहुल गांधी से भी मुलाकात करेंगे, कमला हैरिस से भी करेंगे, तो सैम ने कहा वो नॉन कमिटल थे कि नहीं वो मुश्किल है, पता नहीं कमला हैरिस उस समय कहाँ रहती हैं। मेरा 100% यकीन है कि कमला हैरिस इस अपॉर्चुनिटी को हाथ से इसलिए नहीं जाने देंगी कि वो देख रही हैं कि भारत में राहुल गांधी की जो फॉलोइंग है और अमेरिका में 50 लाख के करीब भारतीय रहते हैं और उनके लिए कमला हैरिस के लिए जो
वो चूंकि अपने आप को भारत की बेटी भी कहती हैं उन्होंने, और शिकागो के कन्वेंशन में अगर आपने सुना हो, मैंने तो उनका पूरा भाषण सुना, इसलिए कह रहा हूँ कि उन्होंने बड़ा बताया किस तरह से उनकी माँ श्यामला आई थी भारत से, सारे कनेक्ट बताए उन्होंने भारत से। तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी से जो मुलाकात अगर हो गई, वो दुनिया भर में भारत और अमेरिका दोनों जगह तहलका मचाने वाली है, और वो बड़े वो अमेरिका के चुनाव को भी प्रभावित करेगी। और जैसा आपने कहा अपनी भूमिका में कि वो इस बार लीडर ऑफ द अपोजिशन के तौर पर जा रहे हैं, अमेरिका में लीडर ऑफ द अपोजिशन का मतलब होता मतलब नेक्स्ट टू द मतलब जो यूरोपीय देशों में या प्रजातांत्रिक देशों में ये होता है कि अगला प्रधानमंत्री उस देश का यही होगा जिस नजर से वो देखते हैं। और अमेरिका अगर देखता है कि राहुल गांधी एक आगामी प्रधानमंत्री हो सकते हैं भारत के, भारत जैसे देश को जो बड़ा मार्केट है, अमेरिका के लिए सबसे बड़ा मार्केट है, 40-50 करोड़ लोगों का मिडिल क्लास का मार्केट है भारत, जैसा कि बुश ने कहा था किसी समय, तो कोई छोड़ना नहीं चाहेगा कोई भी, मतलब डोनाल्ड ट्रंप तो कोशिश नहीं करेंगे मिलने की, क्योंकि वो जानते हैं कि राहुल गांधी से वो मिलके कुछ प्राप्त नहीं कर सकते। पर ये मामला ये नहीं है कि राहुल गांधी कमला हैरिस से मिलने की कोशिश करें, ये मामला ये है कि कमला हैरिस के लोग खुद चाहेंगे, उनके कैंपेन मैनेजर, कि दोनों के बीच में कोई मुलाकात हो जाए। मैं और ये सिंगापुर और ब्रुनेई जा रहे हैं हमारे विश्व गुरु, उसका कोई फायदा भारत को नहीं मिलने वाला है। आप बताइए कि ब्रुनेई के जो सुल्तान हैं वो तो सोना चांदी दे सकते हैं अपने विश्व गुरु को, इतने उनके पास सोने की गाड़ियां और महल हैं कि वो सोना चांदी दे सकते हैं। और सिंगापुर में तो बहुत ही अलग किस्म की हुकूमत है, और भारत के साथ कोई बहुत मधुर संबंध नहीं है उनके, केवल इन्वेस्टमेंट के लिहाज से एक पोर्टफोलियो है हमारे लिए वो सिंगापुर, तो मतलब वहाँ अडानी के इंटरेस्ट ज़्यादा हैं और अंबानी के ज़्यादा हैं, सारा जो इस तमाम इलाकों में जो कंपनियां हैं। तो मैं मानता हूं कि ये राहुल गांधी की जो यात्रा है वो ऐसे टाइम पर जाना, अमेरिका भारत से समय निकालकर, अमेरिका की यात्रा आप चाहे जितने भी तेज विमान से जाएं, आपको पता है राजीव जी के 16-17 घंटे लगते हैं जाने में, बिल्कुल जी। तो एक आदमी 16-17 घंटे जा रहा है, जेट लेग भी होता है, आप चाहे जितना आराम करते हुए जाएं और फिर लौटना है, और सिर्फ 3 दिन के लिए जा रहे हैं, और वहाँ भी हेक्टिक है, मतलब कोई वॉशिंगटन और डलास के बीच में बहुत दूरी है। तो इसलिए क्या है कि ये कुछ बहुत जा रहे हैं, और उसका इंटरनेशनल इम्पैक्ट जो होने वाला है राहुल की विजिट का, उनकी पिछली विजिट के मुकाबले बहुत ज़बरदस्त तरीके से होने वाला है। अब अगली सेशन में आप जब कुछ पूछेंगे तब बात जी, करेंगे। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, राहुल गांधी की यात्रा और वो भी अमेरिका की यात्रा, 3 दिन बहुत शॉर्ट ट्रिप। आशा है कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके बताएं आपकी राय क्या है, और अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि अगली जब वीडियो अपलोड हो तो आपके पास इसका नोटिफिकेशन पहुंच सके, और अगर आपने हमारा फेसबुक पेज फॉलो नहीं किया है फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। धन्यवाद।